नाउ दिस इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कमांडो, उसमें साफ बता दूं आपको, सब लोग ध्यान से देखिए, आपको रिस्पेक्टिव ए बी सी डी ई एफ हेड रीजन करके है हाइपोथेसिस। ए जो है, ए क्या है, आंखों के कंपाउंड आईज से नीचे सिंपल वेस्टिजियल आईज होते हैं जिन्हें ऑसिलस कहते हैं, ए स्टैंड्स विद ऑसिलस। फिर बी क्या है, कंपाउंड आई, कंपाउंड आई, क्लियर। फिर सी, सी क्या है, दिस पॉइंट इज मैंडिबल, यस। फिर डी क्या है, डी मैक्सिले, मैक्सिले, मैक्सिले। फिर ई क्या है, लेब्रम, अपर लिप, अपर लिप, अपर लिप, लेब्रम। और ये रहा एफ, लेबियम। सो डेफिनेटली सेकंड इज द आंसर। जो गिवन टेबल में ऑप्शंस दिए हैं, इस डायग्राम को लेबलिंग, सही लेबलिंग ऑप्शन टू देता है, करेक्ट। दैट्स हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, आपको इस तरह से भी जो है उसके माउथ पार्ट्स और हेड के पार्ट्स असेंबल्ड वे में याद होना चाहिए, जैसा कि चैप्टर का नेचर है मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स। तो क्वेश्चन इस पैटर्न से भी आ सकता है, डायग्राम बेसिस अनलेबल्ड पैटर्न, तो आपको उसको सही लेबलिंग से पहचानना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड इज द आंसर। यस, लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, सेकंड, बी ऑप्शन सेकंड जो है इसका आंसर है, क्लियर, जिससे ये लेबलिंग क्लियर होता है। ओके कमांडोस, अगला क्वेश्चन,